लास्ट क्लास में देखो अपन फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट कर रहे थे, तो एक इसका लास्ट वाला देखो, ये मैनेजेरियल फंक्शंस तक क्या था अपन ने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की थी उसके फंक्शंस मैनेजेरियल फंक्शंस किए थे अपन, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्शन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेल्स मैनेजमेंट के, ये थे मैनेजेरियल फंक्शन। अब देखो स्टाफ फंक्शन भी किए थे अपन, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का काम करते हैं, परफॉर्मेंस हाँ मैम, इवेल्युएट करना, माइक म्यूट कर दो बेटा, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने का काम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम, करियर डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, मोटिवेशन, ये सब स्टाफ रिलेटेड फंक्शन है। तो देखो यहाँ से करना था अपन को एडवाइसरी, सलाह देने का काम है ना। एडवाइसरी फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या एडवाइस करता है एक सेल्स डिपार्टमेंट। देखो फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे हम पूरा का पूरा सेल्स डिपार्टमेंट ले रहे हैं ना, तो क्या क्या सेल्स डिपार्टमेंट का फंक्शन होगा। इसके पहले जो थे वो मैनेजेरियल फंक्शंस थे, फिर स्टाफ फंक्शंस थे, अब ये थर्ड है एडवाइजरी फंक्शन। एग्जाम में सेल्स मैनेजमेंट पूछे तो भी यही लिखना, और फंक्शंस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट पूछे तो भी यही लिखना। फिर देखो क्या क्या एडवाइस कर सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट या क्वालिटी एस्पेक्ट्स, वो एट्रीब्यूट्स बता सकता है, सलाह दे सकता है ना प्रोडक्ट्स में क्या क्या फीचर्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट ही बता सकता है। प्लस प्राइसिंग पॉलिसी के लिए भी वो एडवाइस कर सकता है कि प्राइस कैसा करना है, प्राइस कम रखना है या प्राइस ज्यादा करना है, प्रमोशनल स्टेप्स कैसे होने चाहिए कंपनी के, और पर्सनल सेलिंग एस्पेक्ट्स क्या होने चाहिए, क्योंकि उनके पास ओवरऑल एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो उनको पता है कि कौन सी चीजें कस्टमर्स या कंज्यूमर्स और मार्केट को अट्रैक्ट करेगी और कौन सी चीजें नहीं करती हैं। नेक्स्ट देखो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज एंड चैनल सिलेक्शन क्राइटेरिया, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, मतलब लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है, यहाँ से जैसे स्टोर हाउस में गया, स्टोर हाउस के बाद वेयर हाउस में गया, वेयर हाउस के बाद एक गोडाउन गया, फिर हमने होलसेलर्स को दिया, रिटेलर्स को दिया, अपना जो प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है वो कितने टाइम में खराब हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट निकल रहा है तो हम उसको रिटर्न लेंगे या नहीं लेंगे, ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल सिलेक्शंस के रिगार्डिंग वो सजेस्ट करेगा प्रोडक्ट्स के लिए। फिर नेक्स्ट है देखो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, मीडिया सिलेक्शन, कौन सी मीडिया पे हमको अपना प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है और उसका टारगेट ऑडियंस क्या होगा एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज में। नेक्स्ट देखो ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग एस्पेक्ट आ गया सब इसमें। लायजन फंक्शंस दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलके काम करता है, ये सब हो गया था। देखो कोई भी एक डिपार्टमेंट जब काम करेगा तो मिलके काम करता है, सेल्स अगर प्रोडक्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। सेम फाइनेंस, मार्केटिंग, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च क्या होता है, प्रोडक्ट में जो ड्रॉबैक्स है, R का मतलब रिसर्च और D का मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट है, रिसर्च करना, प्रोडक्ट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करना, नए नए इनोवेशन लेके आना, उनके न्यू यूजेस फाइंड आउट करना, वो हो जाएगा रिसर्च। और डी यानी डेवलपमेंट, अब जो भी हमने रिसर्च किया उसको कमर्शियलाइजेशन करना, मतलब उसको मार्केट में लेके आना फॉर सेल पर्पस, तो वो होता है R&D डिपार्टमेंट। फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेम जैसे भी बताया था, और आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट, तो ये इसके फंक्शंस थे। अब नेक्स्ट देखो इसमें स्टॉप कर रही हूँ मैं शेयर इसका। बोर्ड विजिबल है, फीचर्स स्टार्ट कर रही हूं मैं, फीचर्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट या नेचर भी बोल सकते हो तुम। तो इसका पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला है प्लानिंग वाला, क्या है फर्स्ट यहाँ पे प्लानिंग का बता रही हूँ, प्लानिंग सब हेडिंग है इसमें। तो प्लानिंग के अंदर फर्स्ट है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्ट करना, डिमांड कैसे फोरकास्ट करेंगे, मार्केट पोटेंशियल से।
हमको पता होना चाहिए मार्केट में क्या पोटेंशियल है। नेक्स्ट इसमें आएगा सेल्स पोटेंशियल, सेल्स पोटेंशियल। नेक्स्ट है इसमें सेल्स फोरकास्ट। तो जब अपन प्लानिंग करेंगे तो हमको किस चीज के रिगार्डिंग प्लानिंग करनी है? डिमांड्स के रिगार्डिंग, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कितनी डिमांड क्रिएट करेगा। और वो कैसे पता चलेगा? पहले तो हमको मार्केट देखना है कि किस टाइप का मार्केट है, वहां लोगों का परचेजिंग पावर क्या है, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी क्या है। तो सेल्स पोटेंशियल और हमारे प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है कि वो बिक सकता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, प्लानिंग करनी है किसके रिगार्डिंग, कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, तभी तो हम उतना प्रोडक्शन रेडी रखेंगे। प्लस उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मार्केट पोटेंशियल देखना पड़ेगा कि मार्केट में जो कंज्यूमर्स है क्या ऑलरेडी वहां पे वैसा कोई प्रोडक्ट है या नहीं है। अगर लेके आएंगे ऐसा कुछ नया प्रोडक्ट तो क्या लोगों को जरूरत है वैसे प्रोडक्ट की, तो हम उसको लेके आए। तो मार्केट का पोटेंशियल पता करना है, सेल्स पोटेंशियल। जब हमने ये कर दिया तो उसके बाद हमको ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट इतना पोटेंशियल है कि वो सेल्स कर सके, तो उसके रिगार्डिंग क्या करनी पड़ेगी, सेल्स फोरकास्ट। तो प्लानिंग में पहला काम करना है डिमांड फोरकास्टिंग, सेकेंड स्टेप हमको इसमें लेना है सेल्स बजटिंग। क्या करनी है हमको, सेल्स बजटिंग करनी है। बजट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी चीज का। तो वो किससे होना चाहिए, रिलेशन टू कंपनी बजट, रिलेशन टू कंपनी बजट। देखो बजट बनाना, कंपनी कैसे बनाती है बजट, एस्टिमेट करती है, एस्टिमेट करती है अपने प्रीवियस ईयर की सेल से, और या फिर कम चार पांच उसमें से साल की उस बजट में से, या एस्टिमेट करेगी जब इस टाइप का कोई मार्केट दिया था तो ये एक्सपेंस होता है, या फिर हमने लास्ट टाइम इतना प्रोडक्शन किया था तो ये होगा। तो सेल्स का जो बजट होगा उसका एडवर्टाइजिंग में कितना एक्सपेंस हुआ था, पर्सनल सेलिंग में कितना, ब्रांडिंग पैकेजिंग लेबलिंग में कितना होता। प्लस वो पुराना डेटा भी निकाले कि जब हमने कोई पास्ट में हमने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया हो तो उसका रिगार्डिंग अगर हमको डेटा मिल जाएगा तो वो सब एक्सपीरियंस काम आता है। तो इसके रिगार्डिंग भी कंपनी को क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट आएगा इसमें सेल्स कोटास, या सेल्स कोड्स भी बोल सकते हैं। इसमें है सेल्स वॉल्यूम, कि वॉल्यूम मतलब कितने में सेल्स होगा, रुपीस की बात हो रही है कि कितने का टर्नओवर था लास्ट ईयर या उसके पहले में क्या होगा, और अगर होता भी है तो उसमें से प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट में प्रॉफिट तो बाद में निकलेगा, पहले एक्सपेंस माइनस होगा, प्लस दुनिया भर की जो हमने एक्टिविटी की है हमको वो माइनस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला नेचर क्या होता है सेल्स मैनेजमेंट या फीचर्स का, कि हमको सबसे पहले उसमें एक प्लानिंग करनी पड़ती है किसके रिगार्डिंग, डिमांड के रिगार्डिंग, सेल्स का बजट क्या है अपना, और हमारे सेल्स कोटास क्या है। नेक्स्ट है उसको प्लानिंग को हमको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन में पहला क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग तो की, अब उसको ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजिंग तो हाउ, कैसे ऑर्गेनाइज होगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जब ग्रुप ऑफ पीपल्स एक ऑफिस में बैठ के जो प्लान किया है काम को उसको वर्कआउट करते हैं तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। और जहाँ बैठ के इसको काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में रह के ड्यूटीज रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी जाती है, इसको ये काम करना है इसको वो काम करना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कोई काम करता है। प्लस फ्लो में काम करता है, ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो। ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो का मतलब है यहाँ पे जैसे क्लर्क डिपार्टमेंट से मैनेजर के, या मैनेजर के पास जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के पास टॉप मैनेजर के पास, तो एक ये फ्लो में काम करता है। तो ये बॉटम टू टॉप भी हो सकता है और टॉप टू बॉटम भी हो सकता है। टॉप टू बॉटम में क्या होगा, टॉप लेवल से इंस्ट्रक्शंस आएंगे और बॉटम टू टॉप में जाएगा कि हम वो इंस्ट्रक्शंस को काम करके दे रहे हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड है इसमें स्टाफिंग, स्टाफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टाफ ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो अगर उस काम के लिए हमको करेक्ट ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मैन पावर जो काम करे, तो हमको उनका जॉब डिस्क्रिप्शन भी रेडी करना है कि उनको किस टाइप का काम आना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे उनका,
रिक्रूटमेंट करेंगे, रिक्रूटिंग, तो ये हो जाएगा स्टाफिंग। फिर नेक्स्ट जब उनका रिक्रूटमेंट हो जाता है तब हम उनको क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं उस चीज के लिए। तो ट्रेनिंग देंगे हम उनको, इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग होगी किसी भी प्रोडक्ट की, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको कंटिन्यू ट्रेनिंग देंगे। तो यहाँ तक हो गया ट्रेनिंग। उसके बाद हम क्या करवाते हैं, जब ट्रेनिंग देते हैं तो हम उनको मार्केट में भेजते हैं फॉर द सेलिंग पर्पस। तो अब यहाँ से सेलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उनके ट्रेनिंग पीरियड में ही, कि एटलीस्ट वो मार्केट देखें। नेक्स्ट इसमें होता है डायरेक्टिंग ऑपरेशन, डायरेक्ट करना, कमांड करना या फिर गाइड करना, डायरेक्टिंग ऑपरेशन। तो डायरेक्टिंग ऑपरेशन में क्या आ जाएगा, पहले मोटिवेट करना, सेल्स नहीं हो रही है, डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो हमको उनको मोटिवेट करना है, अपने सेल्स पर्सनल को, अपने एम्प्लॉयज को। फिर उनको कॉम्पनसेट करना है, कॉम्पनसेट मीन्स उनको सैलरी देना, कॉम्पनसेशन का मतलब यहाँ पे सैलरी से, जो वो काम करते हैं तो उनको उसके लिए एक्सपेंस अगर उनके हो रहे हैं तो उसकी भी भरपाई करनी है हमको उनको। नेक्स्ट क्या करना है, हमको सुपरवाइज करना है कि काम अच्छे से वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। और इसमें एक फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा लास्ट में, ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो जो वो पर्सन काम करने गया है तो ऑर्डर को प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, जब वो अपने सेल्स टारगेट्स पूरे कर रहा है। तो ये हो गया। हाँ मैम कुछ पूछना था आप पूछो। मैम, पेपर में जब पूछेगा, हाँ हाँ मैम, तो हम ऐसे लिख देंगे ना सेम, कि अपने को फिर वो मार्केट मार्केट पोटेंशियल है उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहीं, बस इतना ही लिखना, और ये मैं इसको शॉर्ट शॉर्ट में लिखवा दूँ। हाँ मैम, मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना है ना वहाँ पे। नहीं, ये मैं बिल्कुल तुमको कट टू कट एक्सप्लेनेशन में ही दे रही हूँ। जैसे पहला इसका फीचर है प्लानिंग, है ना, तो प्लानिंग के हाँ अंदर मैं मैम, ऑलरेडी उसको 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, समझ में हाँ आ मैं ये रहा पॉइंट को डिफाइन नहीं करना है ना। है। नहीं देखो, अगर डिफाइन करना भी है तो जैसे डिमांड फोरकास्टिंग है ना, तो डिमांड हाँ फोरकास्टिंग मैम, को अगर तुम 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें ये जो मैंने ये कीवर्ड्स लिखे हैं, तो तुम ये 3 कीवर्ड्स डालोगे उसमें। इन तीनों को एक्सप्लेन नहीं करना है बेटा, डिमांड फोरकास्टिंग में तुमको ये 3 कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। एग्जाम में जब तुम पॉइंट्स को अपन एक्सप्लेन करते हैं ना, दो दो तीन तीन लाइन में, दो दो कट टू कट में नहीं, हाँ तो मैम, बस ये तुमको उसके अंदर मेंशन करना है ना। या फिर चाहो तो ऐसे भी हाँ लिख मैम, सकते हो, कट टू कट जैसे बता रही हूँ। बहुत इजीली कर दिया हाँ मैम, मैंने तुम्हारे लिए, है ना, बस समझो हाँ इसको। मैम, क्लियर है अब? हाँ, हाँ मैम, हाँ अब नेक्स्ट है। देखो इसमें प्लानिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, अब नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। परफॉर्मेंस तो इवेल्युएट करना पड़ेगा कि सामने वाले ने कैसे किया है उसको। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, तो देखो इसमें पहला आ जाएगा ऑडिट करना। ऑडिट करेंगे ना, देखेंगे क्या कितना परफॉर्म किया है, जो हमने अपने सेल्स पर्सनल को जो टारगेट दिया है क्या उसने वो टारगेट अचीव किया है कि नहीं किया। तो बोलेंगे सेल्स मैनेजमेंट ऑडिट, तो उनका ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट समझते हो ना, ध्यान देना कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया। तो वो ऑडिट भी किस टाइप का ऑडिट होगा, उसमें वो कौन सी चीजें चेक करेगा, सेल्स वॉल्यूम एनालिसिस। मतलब वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे रुपीज से, कि उसने कितने रुपीज का सेल्स किया है उसका एनालाइज करेंगे ऑडिट में। दूसरा ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स डेटा, हम ब्रेक डाउन करेंगे डेटा को, कि मंथली में कितना सेल्स हुआ, क्वार्टरली में कितना सेल्स हुआ, वीकली में कितना हुआ, या कोई दूसरा पर्सन गया था तब कितना सेल्स हो रहा था। तो सेल्स मैनेजमेंट ऑडिट में क्या होगा, एक तो ओवरऑल सेल्स देखेंगे कितना हुआ, प्लस उसको ब्रेक डाउन करेंगे डेटा को कि इस मार्केट में इतना सेल हुआ। पहले तो ये डिफाइन करते हैं कि सपोज कोई न्यू मार्केट में हम एंटर किए तो उसमें ये इतना सेल्स हुआ। फिर टारगेट क्या था, बच्चे थे कि बूढ़े थे, या ट्यूशन्स वालों को, सॉरी स्कूल्स वालों को गाइड किया, कि कंपनीज वालों को गाइड किया, कि हाउस होल्ड वालों को टारगेट किया, तो वो टारगेट मार्केट भी डिसाइड हटाएंगे। फिर मंथली कितना सेल्स हुआ, क्वार्टरली कितना सेल्स हुआ, और खास करके इंडिया जैसे कंट्री में फेस्टिवल्स का बहुत असर होता है, तो हम वो सब भी उसमें क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो ब्रेक डाउन करेंगे यहाँ पर अपन डेटा को, ताकि आगे चल के हमको समझ में आए कि किसमें क्या वेरिएशन आए थे और कहाँ से अच्छा वो मिला था। फिर इवेल्युएटिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ये तो ओवरऑल था। अब सिंगल सिंगल डेटा को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे।
इवेल्यूएटिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, पहला क्या है, परफॉर्म देखेंगे उनका कि कैसा परफॉर्म किया है एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन ने या सेल्स डिपार्टमेंट ने, जो भी सिंगल सिंगल देखेंगे। अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस हुई है तो उनका प्रॉब्लम भी सॉर्ट करेंगे, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन। नेक्स्ट आ जाएगा आउटपुट रिजल्ट्स, आउटपुट एट द एंड रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं वो देखेंगे आप अपन। फिर क्या देखेंगे इसमें, इनपुट एफर्ट, तुमने कितना इनपुट दिया, तुमने अपनी तरफ से कितनी मेहनत की थी वो। नेक्स्ट है इसमें क्वालिटेटिव फैक्टर्स, ठीक, क्वालिटेटिव फैक्टर्स, क्वालिटेटिव समझते हो, क्वालिटी क्या फीडबैक है, अच्छा फीडबैक है कि नहीं है ये। नेक्स्ट है कंट्रोल करना, कंट्रोल में क्या हो जाएगा, हमने जो स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं क्या वो, इतना हमको 10,000 का सेल करना था तो क्या हम उसके आसपास पहुंचे, कि हम वहां तक पहुंचे ही नहीं, हम उसके आगे तक पहुंचे। अगर हम कम, जैसे 10,000 का टारगेट मिला है सेल्स का और हमने सिर्फ 3 या 4,000 किया, तो हमको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड था 10 का, हमने किया 3 to 4, तो क्या कम है, कहाँ कमी रह गई, तो हमको गाइड करते हैं, तो वो हो जाता है कंट्रोल। फिर उस पे वर्क करते हैं, फिर जब वर्क करते हैं फिर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, हमने काम किया फिर हम अपना पास्ट और जो भी हम फिर से करेंगे उस पे कंपेयर करेंगे, तो वो हो जाता है कंट्रोल। कोई डाउट है यहाँ तक, नो मैम। क्लियर है सब? हाँ मैम। अब नेक्स्ट अपन कर रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें बस, ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। पहला आएगा इसमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, मेंटेनिंग कंटिन्यूअल ग्रोथ, कोई भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव की कंटिन्यू ग्रोथ है तो उसमें मेन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही होगा उसका। फिर एक तो ग्रोथ मिलनी चाहिए, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, फिर अचीव में अचीव करना है, क्या अचीव करना है, सफिशियंट सेल्स वॉल्यूम, कि पूरा खर्चा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, प्रॉफिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, क्योंकि एन नंबर्स ऑफ उनके साथ सब जुड़े हुए रहते हैं, तो सफिशियंट सेल्स वॉल्यूम होना चाहिए। उसके बाद जो वो सेल्स कर रहा है, ऐसे तो नहीं ग्रोथ तो दे रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, लास्ट ईयर 10,000 का सेल्स हुआ तो इस साल 40,000 का सेल हुआ, मतलब ग्रोथ देखो कितनी ग्रोथ हुई, 300% की ग्रोथ दे रहा है वो, सॉरी हाँ 200% की ग्रोथ हो रही है, सपोज 10,000 से अगर 40,000 पे आ रहे हैं तो। पर क्या वो जो ग्रोथ हो रही है वो सफिशियंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रॉफिट में, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्या होता है सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन उतना प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा ना फैक्ट्री में, तो उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उतना एक्सपेंस भी होगा, उतने लेबर्स भी लगेंगे काम करने के लिए, तो क्या सफिशियंट कॉन्ट्रीब्यूशन वो देगा मार्क अपने को प्रॉफिट का कि नहीं देगा, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। हम सेल्स तो बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा, और जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसमें एक्सपेंस भी होंगे, और एक्सपेंस है तो दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो मेन गोल क्या होता है कंपनी पॉइंट ऑफ, एक तो कंटिन्यू ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ के साथ वॉल्यूम बढ़ना चाहिए सेल्स का, मतलब लास्ट ईयर अगर हमने 10,000 यूनिट्स बेचा तो साथ 50,000 यूनिट, नेक्स्ट 60, 70, 80, जरूरी नहीं है कि 10 से 50 जाए, 10 से 15 भी जा सकता है, 15, 10 से 12 भी जाए, 10 से 20 में भी जाए, बस क्या है एक कंटिन्यू जो ग्रोथ है ना वो मेंटेन होनी चाहिए, प्लस सेल्स वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए मतलब इन रुपीज में, प्लस प्रॉफिट भी बचना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्टिव या गोल्स है होते हैं सेल्स मैनेजमेंट के कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू।
क्लियर है यहाँ तक? हाँ मैम। अब फंक्शंस में करवा चुकी हूँ, थ्री पार्ट्स या फोर पार्ट्स में करवाया था, मैनेजेरियल फंक्शन, स्टाफिंग, एडवर्टाइजिंग और लाइजन फंक्शंस करके करवाया था। अगर इन केस आपको लगता है कि आप उसको इतने पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो मैं उसको कट टू कट 8 पॉइंट में डिवाइड कर रही हूँ। और याद रखना, फंक्शंस के लिए एक्टिविटीज वर्ड भी यूज कर सकते हो तुम लोग, एक्टिविटीज अंडर सेल्स मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं एस्टैब्लिशिंग सेल्स फोर्स ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए है ना कि क्या रहेगा। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द सेल्स फोर्स साइज, डिटरमाइनिंग द सेल्स फोर्स साइज, नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट करना उनका, रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग द सेल्स फोर्स, देखो जो इसमें और भी पॉइंट है बट अभी मैं सिर्फ तीन ही एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि टाइम अपना हो जाएगा इतने में ही। फर्स्ट देखो क्या है, एस्टैब्लिशिंग सेल्स फोर्स ऑब्जेक्टिव, जो सेल्स मैनेजर है उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क अगर मैं देखूंगी यहाँ पे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब उसका जो सेल्स फोर्स, जो उसकी फोर्स होगी जो सेल करने निकलेगी मार्केट में, पर्सनल सेलर या जो भी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा है ना, उनका ऑब्जेक्टिव हमको सेट करना है, उनका टारगेट हमको सेट करना है। और इसके लिए मेन चीज़ क्या है कि कितनी अच्छी है अपनी सेल्स फोर्स है ना, हाउ वेल इज़ द सेल्स फोर्स। दूसरा अगर हम उनके लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे वो मेजरेबल होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उनको कुछ भी अनरियलिस्टिक चीज़ों का टारगेट दे दें और वो उसको करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होना चाहिए, एक तो रियलिस्टिक होना चाहिए, दूसरी चीज़ इसमें क्या होनी चाहिए, रुपीज़ में, वॉल्यूम में, परसेंटेज वाइज उनको एक एक चीज़ हमको बतानी है कि क्या करना है कैसे करना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, पहली मैं इसको अगर डिफाइन करूँगी जैसे डिटरमाइनिंग सेल्स फोर्स ऑब्जेक्टिव में, तो मैं उनको जब ऑब्जेक्टिव्स बना के दूंगी तो मैं उसमें क्या बोलूँगी, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट होना चाहिए सबसे पहली चीज़, फिर नेक्स्ट इसमें मैं एंटर करूँगी रिटर्न ऑन एसेट, मुझे रिटर्न भी मिलना चाहिए, इट मींस रिटर्न ऑन एसेट्स। नेक्स्ट इसमें मैं बोल सकती हूँ सेल्स कॉस्ट रेशियो, कोई डाउट है यहाँ तक पूछो, क्लियर नो मैम। है? ठीक, हाँ।